परेशानी, हम दिल्ली जा रहे हैं, आप एक आधे घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, ये कोई तुक बात? आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया, NH-31 अभी जो है जाम किए हुए है यहाँ के कुछ लोग। क्यों जाम किए हुए हैं आपको बता दे, आज से 23 तारीख को भी जो है सैनिक ट्रेडर्स है NH-31 के जो है किनारे है यह, और यह जो है मध्य जो है रहमपुर पंचायत का जो है NH-31 का है एरिया है, यहाँ पर जो है लोग हल्कान परेशान है, चोरों का आतंक है। जी हाँ, फिलहाल NH-31 जाम है, लोग आने जाने वाले लोग हल्कान परेशान है, सवारियों को भी काफ़ी जाने आने में परेशानी हो रही है, लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई है, अब परेशानी आम पब्लिक को भी उठाना पड़ रहा है। अब बताइए कब घटना घटी, कैसे घटी है? इससे पहले 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को दुकान में चोर घुसते हैं और लैपटॉप, CCTV कैमरा का कुछ पार्ट्स जो इंस्टॉल नहीं किया हुआ था वो, हार्ड डिस्क, 15,000 कैश, सारा कुछ ले जाते हैं। मैं प्रशासन को CCTV फुटेज प्रोवाइड किया जो कि 40 मिनट का है, CD बना के उनको दिया कि ये देखिए उनमें उसका चेहरा भी आ रहा है, फिर भी प्रशासन 15 दिन, मैंने SP मैडम से मिला, इंस्पेक्टर साहब आए, सारे कुछ आए, लेकिन कोई उस पर प्रोग्रेस नहीं है। फिर आज रात यानी कि 7 नवंबर को फिर रात में चोरी की घटना होती है जिसमें CCTV कैमरा का हार्ड डिस्क ही निकाल के ले जाता है, CCTV कैमरा खोल के ले जाता है, हाँ अपना हार्ड डिस्क, बैटरी जो है उसे, इन्वर्टर सारा कुछ सामने से ताला तोड़ के ले जाता है NH के ऊपर से, फिर भी प्रशासन अभी तक सोई हुई है। मेरे भाई का कहना है कि प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए दोबारा घटना हुई, और ये प्रशासन के चेहरे पे तमाचा है कि हर 14-15 दिनों में उसी दुकान में, सैनिक ट्रेडर्स में पहले भी 15 दिन पहले चोरी होती है 23 तारीख को, और आज फिर चोरी होती है, तो इसमें प्रशासन की ना तो फॉरेंसिक टीम आई, ना डॉग स्क्वाड आया, ना ही उन्होंने किसी प्रकार के इसमें जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करके चले गए, पेपर बना के चले। क्या लगता है गोलू जी, हर चीज़ों में जाम होता है, जाम आखिरकार होने का वजह क्या होता है? जाम निदान नहीं है हर चीज़ का, यह कहीं ना कहीं प्रशासन का काम दिखा रहा है, इतना आतंक फैल रखा है पुल के इस तरफ से बेगूसराय खगड़िया के बॉर्डर तक, हमने SP मैडम को भी इस बात से अवगत कराया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई गतिविधि हम लोग को नहीं दिखा, और आज देखिए पुनः फिर दोबारा सैनिक ट्रेडर्स में फिर से जो है चोरी का घटना हुआ, इससे पहले भी कल शाम में रोड जाम हुआ था, एक मर्डर हो गया था रोड पर, अब देखिए कि हम लोग कितना सुरक्षित हैं, गुहार भी लगाए SP मैडम से, थाना से गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, हम लोग क्या करें, अंत में हम लोग को जाम का ऑप्शन मिलता है।